इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 मैच हुआ था, उसमें बहुत ही खतरनाक जीत पाई है इंडिया टीम ने। 174 रनों की पारी खेली, जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया टीम ने 174 रनों का लक्ष्य दिया ऑस्ट्रेलिया टीम को। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया टीम ने पीछा करते हुए 152 रनों पर अपना दम तोड़ दिया, यानी कि 10वां विकेट गंवा दिया। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया टीम कैसे बुरी तरह से फंस चुकी थी इसमें। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ का ओपनिंग भेजा, और ओपनिंग करते हुए जायसवाल ने 36 बॉल में 35 रन यानी कि 6 ओवर खेलकर 35 रन बनाए थे, वहीं पर अपना विकेट गंवा चुके 35 रनों पर। और ऋतुराज गायकवाड़ को एक भी ओवर नहीं मिला और पूरा का पूरा 6 ओवर यशस्वी जायसवाल खेल चुके थे और 35 रनों का बस योगदान दिया इंडिया टीम को। वहीं पर आते हैं उसके बाद सूर्य कुमार यादव, और सूर्य कुमार यादव भी अपना विकेट गंवा देते हैं। उसके बाद आते हैं सुरेश अय्यर, सुरेश अय्यर भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं और अपना विकेट जल्द ही गंवा देते हैं। तो उसके बाद आते हैं रिंकू सिंह, रिंकू सिंह जो कि बहुत ही बेहतरीन पारी खेलते हुए इंडिया टीम को 174 रनों में बहुत ज़्यादा सही योगदान रहा उनका 50 रनों का, क्योंकि ऐसा पारी कोई नहीं 50 रनों से अधिक पारी। और रिंकू सिंह आते ही छक्के और चौके के बरसात कर दिया, और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने थर थर रिंकू सिंह से कांपने लगा, जो कि पिछले मैच में 19 गेंदों में अपना 44 रनों का पारी खेला था 7 छक्के के साथ में। तो आपको बता दें कि रिंकू सिंह का दबदबा रहा उस पिच पर। और उसके बाद आए जितेश शर्मा, जो कि जितेश शर्मा भी बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 13 गेंदों में 40 रनों का योगदान रहा, जिसमें 4 छक्के और 4 चौके के मदद से अपना 40 रनों का पारी समाप्त किया जितेश शर्मा। बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी करते हुए जितेश शर्मा ने अपने आप को साबित किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और इंडिया जीत गई।